नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग में सिल्वर, विंध्य के ठेकेदारों ने भोपाल में डाला डेरा, इंदौर डूबा, चीतों की मौत के बावजूद उम्मीद जिंदा। नमस्कार, मैं प्रभास पांडे, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। गुजरात के राजकोट में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पिछले हफ्ते गुजरात के अमरेली जिले में 2 दिनों में भूकंप के 3 मामूली झटके महसूस किए गए थे। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, लोगों को सांस लेने में तकलीफ। वह और शाम के समय लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, साथ ही गले में खराश, नाक बहना, सीने में जकड़न जैसी शिकायत हर उम्र में देखने को मिल रही है। वहीं बुजुर्गों और बच्चों के साथ दमा व सांस के मरीजों की परेशानी डबल हो गई है। सोमवार को दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़कर 392 तक पहुँच गया, जो NCR में सबसे अधिक रहा। गाजियाबाद जैसे जगहों पर प्रदूषण का स्तर 350 से 370 के बीच रहा। भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, पुरुष टीम पाकिस्तान से हारी। भारतीय पुरुष ब्लाइंड क्रिकेट को रविवार को बर्मिंघम में इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन यानी IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 के अपने शुरुआती मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने भारत को 18 रनों से हराकर मेन इन ब्लू पर शानदार जीत के साथ अपने IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 अभियान की शुरुआत की। वहीं दूसरी ओर महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने शुरुआती मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। बात अगर भारत पाकिस्तान मैच की करें तो भारत को आखिरी 2 ओवरों में 34 रन बनाने थे और उसके पास 4 विकेट थे, लेकिन टीम इंडिया यह रन बनाने में सफल नहीं रही और पाकिस्तान ने एक रोमांचक मुकाबला जीत लिया। वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने शुरुआती मैच में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग में सिल्वर, 83.80 मीटर भाला फेंक कर दूसरे नंबर पर रहे। चेक रिपब्लिक के जैकब को गोल्ड, वर्ल्ड चैंपियन भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को डायमंड लीग फाइनल 2023 में सिल्वर से संतोष करना पड़ा। वे पिछले साल जीता हुआ अपना खिताब बचाने में नाकाम रहे। नीरज ने मौजूदा सीजन के फाइनल इवेंट में 83.80 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि चेक रिपब्लिक के जैकब वादलेच ने 84.24 मीटर के स्कोर के साथ गोल्ड जीता। फिनिश थ्रोअर ओलिवर हेलेंडर तीसरे स्थान पर रहे। विंध्य के ठेकेदारों ने भोपाल में डाला डेरा, कॉन्ट्रैक्टर बोले भुगतान नहीं मिला तो आत्महत्या कर लेंगे। MP की राजनीति में चुनाव के पहले तमाम संगठन कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आचार संहिता लागू होने से पहले अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं। इस चुनावी वेला में विंध्य के ठेकेदारों ने अफसरों से परेशान होकर भोपाल में डेरा डाल दिया है। सरकारी स्कूलों में छोटे निर्माण कार्य और मेंटेनेंस वर्क के करीब 1.14 करोड़ रुपए का भुगतान पाने के लिए परेशान हैं। करीब 8 ठेकेदार भोपाल में अपने काम का भुगतान पाने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री और विभागीय अफसरों के दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा बारिश शुक्रवार शनिवार रात को, रात भर में 5.5 इंच वर्षा। लगातार 2 दिन से तेज बारिश से 61 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। शहर में इस सीजन में 45 इंच से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 48 घंटों में सबसे ज़्यादा शुक्रवार शाम 5:30 बजे से शनिवार सुबह 8:30 बजे के बीच सबसे ज़्यादा 5.5 इंच बारिश हुई है। मऊगंज जिले के हनुमना हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर बड़ा हादसा टल गया है। बताया गया कि शुक्रवार शाम 5 बजे 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चे स्कूल के मैदान में खेल रहे थे, इसी बीच अचानक तेज बारिश आ गई। वर्षा से बचने छात्र स्कूल की ओर भागने लगे, तभी मैदान में आकाशीय बिजली गिर गई। ऐसे में 2 मवेशियों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 1 दर्जन बकरियां बेहोश होकर गिर गई हैं। सतना विधायक ने खत्म कराया सरपंचों का आमरण अनशन। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया और भरोसा दिलाया कि कांग्रेस सरपंचों की मांग के लिए खड़ी रहेगी। पिछले साल 9 चीतों की मौत के बावजूद उम्मीद जिंदा। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को भारत लाए गए 12 चीतों में से यह पहली मौत थी, लेकिन इसके बाद एक एक करके 9 चीतों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और ऐसी खबरें जानने के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।